जब से JKPSI का रिजल्ट निकला है पिछले 3 दिनों से, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें सरफेस हो रही हैं कि रिजल्ट में काफ़ी स्कैम हुआ है, काफ़ी जो बच्चे हैं वो धांधली कर कर कुछ इलीगल मीन से लिस्ट में आए हुए हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं, ये जो कैंडिडेट्स जो लिस्ट में आ नहीं पाए हैं उन्होंने काफ़ी ये सवाल ये उठा रहे हैं। तो आज उसी के कंसर्न से हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक्चुअली हमारा कंसर्न यही है कि ठीक है, अगर उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि लिस्ट में कुछ इलीगल मीन से बच्चे आ गए हुए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन LG साहब ने बिठवा दी हुई है, तो विद इन सम डेज उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, और अगर ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कैंडिडेट्स कुछ ऐसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को वहाँ से एलिमिनेट करना चाहिए उस लिस्ट से, ना कि पूरी लिस्ट क्रैप करनी चाहिए। ठीक है, अब 100 बच्चों के पीछे बाकी के जो 7100 बच्चे हैं वो अपनी मेहनत से आए हैं, वो अपने हार्डवर्क से आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप पूरी ही लिस्ट क्रैप कर दोगे तो डेफिनेटली देखिए, अब किसी की एज यहाँ पे 28 साल 30 साल हो चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम जब तक इन्होंने एग्ज़ाम लेना है 1.5 साल वहाँ पर भी लग जाना है। ठीक है, देन उसके बाद फिजिकल्स होने हैं, तो देखिए जो ऑलरेडी एज हो चुके हैं तो वो बच्चे कहाँ पर जाएंगे। और दूसरी चीज़, हम अपनी मेहनत से आए हैं, ना कि हम कोई इलीगल मीन्स का यूज़ करके आए हैं। तो और दूसरी चीज़ ये भी बोली जा रही है कि काफ़ी जो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, कोई 30-35 फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो वो क्यों नहीं होंगे। अगर आप देखिए 1 लाख बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें से 1000 फैमिलीज़ डेफिनेटली होंगे। ठीक है, उनके 2-2 3-3 बच्चे होंगे और वो साथ में बैठ के पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे। ठीक है, तो और सिर्फ इसी में नहीं आए हुए, आप देखिए UPSC में भी आते हैं, आप टीना डा भी देख लीजिए, उनकी सिस्टर देख लीजिए। ठीक है, तो सिबलिंग्स जो है आते हैं, क्यों नहीं आते? डेफिनेटली अगर देखिए कोई बड़ा है वो उनको गाइडेंस देता है सब कुछ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर उंगली उठाने वाली कोई बात नहीं है, ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है। और काफ़ी आपने देखा होगा खोड़ वाली साइड, अखनूर वाली साइड, वहाँ पर बोल रहे कि लाइब्रेरी में 70 बच्चे थे, वहाँ से 60 सेलेक्ट हुए। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर पेपर लीक हुआ था तो 70 में से 70 क्यों नहीं हुए, 60 ही क्यों हुए, बाकी के 10 क्यों नहीं हुए? तो ये बिल्कुल ही, मैं देखूँ तो एक बेसलेस ये एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो इन केस अगर मैं बोलता हूँ, अगर कुछ भी इस तरह की धांधली वाली चीज़ निकलती है, तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों को एलिमिनेट करो और हमारे साथ जस्टिस होए, हम दोबारा री एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम अपनी मेहनत से आए हुए हैं। हम सुरिंदर सिंह हैं और यहाँ पर एक फाल्स प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि यहाँ पर सिलेबस इसका JKPSI का सिलेबस और फाइनेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम था, टोटली डिफरेंट सिलेबस था। यहाँ पर उसका जो सिलेबस था UPSC टाइप प्रीलिम्स का सिलेबस था, और ये भी बोला जा रहा है कि सिबलिंग्स यहाँ पर आ रहे हैं। मेरी बहन ने भी ये जो JKPSI की मेरिट लिस्ट है उसमें फॉल कर रही है और मैं भी फॉल कर रहा हूँ। और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में थी उसमें भी मेरा मार्क्स आ रहे हैं, मेरी बहन के कुछ मार्क्स रह गए हैं। जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में थे उसमें 66 मार्क्स थे, बट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मेरा 98 मार्क्स हैं और JKPSI में 104 मार्क्स हैं। ये सिर्फ ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये हमने इसको री एग्ज़ाम करवाना है। हम LG साहब से यही चाहते हैं कि आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर, आप इस नो डाउट आप इंक्वायरी बिठाएं, इंक्वायरी करवाएं, बट ये भी करें कि जो मेरिट में आए हुए बच्चे हैं उनके साथ इनजस्टिस ना हो, उनके साथ एक फेयर प्रोसेस में एक मेरिट लिस्ट बना। JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं, हमने अभी जो रिजल्ट आया है इसमें जो प्रोपोगंडा चल रहा है कि बच्चे कह रहे हैं इसमें स्कैम हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, तो ठीक है, LG साहब ने कमेटी बिठाई है, होम सेक्रेटरी जो है उनको दिया गया ऑर्डर इंक्वायरी के लिए, वो इंक्वायरी करेंगे, अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है। बट हाँ, जो ये बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम क्यों होगा भाई? अगर कल्प्रिट 60 बंदा है या 100 बंदा है तो हम लोग क्यों एग्ज़ाम दें फिर से? उनको बाहर करो, लिस्ट को रिवाइज करो और नई लिस्ट बनाओ। देखो सर, 97,000 जो बच्चा है उसने एग्ज़ाम दिया है, और उसमें अगर 1000 फैमिलीज में सिबलिंग्स भी आते हैं, उसमें से अगर कोई 20-25 फैमिलीज के सिबलिंग्स अगर सेलेक्ट भी अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 सिबलिंग्स अगर एक फैमिली के होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और जो डिमांड हमारी सर, ये डिमांड है कि जिस तरह से ये री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, और री एग्ज़ाम की डिमांड वो बच्चे कर रहे हैं जिनके एग्ज़ाम में 40 नंबर भी नहीं है, वो ही री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं। और री एग्ज़ाम ना हो और कल्प्रिट जो हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जाए और लिस्ट को रिवाइज करके नई लिस्ट के बेस पे फिजिकल होए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 972825366।
3 पर।